ए रुको, ये क्या अधर्म कर रहे हो? चिट्ठी डाल रहा हूँ। राम जी सखपाल का बेटा इस डिब्बे में चिट्ठी नहीं डाल सकता। इस डिब्बे में हम ऊंची जाति के लोगों की चिट्ठियाँ जाती हैं। तुम लोग अपनी चिट्ठियाँ डालोगे तो हमारी चिट्ठियाँ दूषित हो जाएंगी, समझे? लेकिन ये चिट्ठी डालना जरूरी है, मेहरबानी करके डालने दीजिए ना। इतना जरूरी है ना, तो जाओ दौड़ के जाओ अपनी चिट्ठी दे आओ। अरे ये क्या कर रहे हो? अगर आप मुझे चिट्ठी डालने नहीं दोगे तो मैं यही इंतजार करूंगा, और जब आप घर जाओगे मैं इसी पत्थर से ये तोड़ूंगा, सारी चिट्ठियां निकालूंगा और फाड़ के फेंक दूंगा। अगर मेरी चिट्ठी नहीं जाएगी तो किसी की भी चिट्ठी नहीं जाएगी, और मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये नहीं मानेगा, आप इसकी चिट्ठी का शुद्धिकरण कर दीजिए। ठीक है, इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुद्धिकरण? हाँ, अपनी चिट्ठी वहां रखो नीचे जमीन पे। इसे कौन छुएगा? अरे ये तो राम जी सखपाल का बेटा है। अरे इसे तो बहुत चोट आई है भाई। लेकिन कोई तो उठाओ इसको। अरे कौन उठाएगा इसे, अशुद्ध थोड़े ही होना है भाई। तुम्हारा खेत तो बेकार हो गया। अरे भाई कोई उठाओ इसे, हमारी जमीन पे मरेगा, हमारी जमीन को अशुद्ध कर देगा। नहीं नहीं, हम लोग नहीं उठा सकते भाई, हम लोग नहीं उठा सकते भाई। क्यों भाई, हम लोग नहीं उठा सकते। अरे भाई तू खुद ही जा यहाँ से उठकर।
मेरा ही खेत मिला था तुझे मरने के लिए, चल भाग यहाँ से। अरे कोई से घर जाओ, विद्यालय जाओ और बताओ ये मर रहा है यहाँ पर। चलो। अरे राम जी, अरे ओ राम जी, क्या हुआ? अरे तुम्हारा बेटा भीम उधर खेत में गिरा पड़ा है, उसे बहुत चोट आई है। बीवा, क्या हुआ? क्या हुआ? बीवा को कहाँ है? कैसी चोट लगी उसे? हाँ, बताइए। अभी कुछ मत पूछिए, उसे बहुत चोट आई है, जल्दी चलिए आप। चलिए चलिए। दीदी मैं आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाके देख। भीम, भीम बेटा, किसने धक्का दिया मेरे भाई को? मेरे पूरे खेत को अशुद्ध कर दिया, अब शुद्ध करना पड़ेगा। जी, जल्दी इस बच्चे को देखिए, बहुत चोट लगी है। अरे बहुत ऊंचाई से गिरा है वो। बीवा, दूर दूर, पिछड़ो पिछड़ो, इधर मत लाना, सब अशुद्ध हो जाएगा। वैजी, ये सब करने का समय नहीं है, जल्दी से देख के दवा दीजिए। देखिए देखिए कितना खून बह रहा है। देखते हैं मास्टर जी, देखते हैं। अरे इसको नीचे तो रखो, रखो नीचे। ऊपर से गिरा है, अरे अंदरूनी चोट हो सकती है। कमीज उतारो उसकी। दीदी दीदी आराम से, दीदी आराम से। आ,
आनंद, हाँ? वैजी ने लेप लगाने के लिए कहा है ना, वो नहर के पास वाली जंगल से इमली और अरंडी के पत्ते लेके आना। हाँ अभी जा जल्दी। हाँ ठीक से जाना बेटा। हाँ आइए आराम। भीमा ठीक हो जाएगा। अरे क्या हुआ, ये जुलूस कहाँ से चला आ रहा है? लगता है इसके बेटे ने फिर कोई कांड किया है।